हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पोहा स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि काफ़ी हेल्दी है। पोहा तो सभी बनाते हैं लेकिन ये स्पेशल पोहा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है और आराम से कहीं भी ये पोहा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और चलिए बिना देर किए हुए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है पोहा, ये देखिए रेड पोहा है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और एक कुछ सब्जियां मतलब बीन्स, गाजर, प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा मूंगफली। अच्छे से सब्जियों को हमने चॉप कर लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा काटना है क्योंकि पोहे में डालने की जो सब्जियां होती हैं उनको काफ़ी बारीक आपको चॉप करना है। अब हम पोहा को अच्छे से धो लेंगे क्योंकि रेड पोहा है और पोहा कई सारी क्वालिटी का आता है, तो मीडियम रेड पोहा जो आता है वो पतले भी आते हैं और मोटे भी आते हैं, तो मीडियम वाला पोहा हमने लिया है। ये इसको हम अच्छे से वाश करेंगे, देखिए किस तरह से इसमें वो इसका लाल पानी निकल रहा है देखिए। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। ये पोहा आप ज़रूर खाएं, आयरन से भरपूर होता है। अब हम इसको धुल के इसका पानी बाहर निकाल लेते हैं। तो पोहा हमारा धुल गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हम अपनी तैयारी करेंगे, प्याज सब्जियों को फ्राई करेंगे, तब तक ये अच्छे से भीग जाएगा। तो पोहा का पानी निकाल कर हमने देखिए इस तरह से आपको कर देना है। इसे हम साइड में रख देते हैं और उधर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। इस तरह से देखिए रेड पोहा होता है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल या घी में पोहे को बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों के बीज और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता 10 से 12, क्योंकि करी पत्ता के बिना तो हमारा जो पोहा होता है बिल्कुल अधूरा होता है। करी पत्ता और सरसों जैसे ही चटकने लगेंगे वैसे ही हमने एक प्याज को अच्छे से बारीक काट कर रखा हुआ है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा चलाएंगे। और चलाने के बाद इसमें मूंगफली को साथ में ही डालेंगे क्योंकि मूंगफली और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, तो हल्का सा ही इसे कलर चेंज होना है जैसे ही हमें मूंगफली को इसमें ऐड कर देना है क्योंकि प्याज और मूंगफली अच्छे से पक जाएं। थोड़ा सा हरी मिर्च कटा हुआ डाल देते हैं, आपको तीखा जिस तरह से पसंद है उस तरह से आप तीखा डालिए। अब हम मूंगफली को भी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला के बस चलाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होता है, इसे 30-30 सेकंड में ही मूंगफली डाल दिया, फिर 30 सेकंड अच्छे से फ्राई करके इसमें सारी सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी को थोड़ा सा पकना ज़रूरी है, तो हल्दी पाउडर डालते ही हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो हमने बीन्स को फाइनली अच्छे से चॉप किया है क्योंकि पोहा है तो छोटे छोटे टुकड़े ही काटेंगे तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें पता भी ना चले और बच्चे खा भी लें। गाजर को भी बहुत ही बारीक चॉप करना है क्योंकि पता नहीं चलना चाहिए और बच्चे खा भी लेते हैं। तो इसमें एक कटोरी पोहा में एक कटोरी बीन्स और एक कटोरी गाजर, इतना हो गया और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें सब्जी पड़ी है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा हो गया, देखिए 1 से 2 मिनट हो गया, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा फिर मिक्स कर देंगे। और जैसे ही 1 से 2 मिनट फिर इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो नहीं डालिए। बस हल्के हाथों से इसे चलाते रहना है और पोहा आपका झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम पोहे को ही डाल देते हैं और पोहा को डाल के इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारी सब्जियां और तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए और पोहा हमारा अच्छे से घुल मिल जाए। तो आपको 1 मिनट तक चला लेना है, फिर इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे स्टील वाली चम्मच से, 1 छोटा चम्मच, और 1/2 नींबू का रस इसमें डाल देते हैं जिससे कि इसका टेस्ट जो है अच्छा हो जाए। और फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे, 1 से 2 मिनट चलाएंगे, पोहा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा झटपट से।
तो ये पोहा आप ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी हेल्दी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप नाश्ते में झटपट से फाइबर और कैल्शियम से भरी पोहा हम खिला सकते हैं। पोहा तो सभी खाते हैं लेकिन ये हेल्दी पोहा है, तो इसे ज़रूर आप बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। ये काफ़ी अच्छा है खाने में भी। देखिए खिला खिला पोहा बनकर हमारा तैयार हो गया है और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और झटपट से बन जाएगा। अब हम कटा हुआ हरा धनिया पत्ता इसमें डाल देते हैं और इसको चला देते हैं। आप इसमें नमकीन भी आपको पसंद है तो डाल दीजिए, सेब डाल दीजिए, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, पीनट डाल दीजिए जो आता है, सॉल्टेड। देखिए बिल्कुल खिला खिला पोहा बनकर तैयार है।